ज्यादातर बोर्ड्स परीक्षा ना लें क्योंकि कोविड की जो सिचुएशन है वो एक विशेष परिस्थिति है। तो 15 जुलाई के आसपास हम अपना रजिस्ट्रेशन शुरू करने जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं DU यूनिवर्सिटी जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में UG की जो एडमिशन है वो किस डेट से शुरू होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने अभी वीडियो में देखा कि जो DU के वाइस चांसलर हैं उन्होंने कहा है DU का एडमिशन अराउंड 15 जुलाई से शुरू कर दिया जाएगा और इसमें जो है एडमिशन के दौरान सभी बच्चों को, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, ऑल बोर्ड्स विल बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस यानी एडमिशन के दौरान सभी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। दिस कम आफ्टर CBSE क्लास 12th बोर्ड एग्जाम वर कैंसिल्ड इन द शैडो ऑफ COVID-19। जैसा कि आप लोगों को पता है COVID-19 की वजह से क्लास 12th की, चाहे वो CBSE बोर्ड हो या UP बोर्ड हो, यानी सारी बोर्ड्स के एग्जाम्स कैंसिल हो चुके हैं। अब वो सब बच्चे प्रमोट कर दिए जाएंगे। वाइस चांसलर ने कहा है कि हम सब गवर्नमेंट के डिसीजन के साथ हैं, यानी हमेशा की तरह जैसे पहले होता था मेरिट बेस पे एडमिशन, वैसे ही DU अब भी मेरिट बेस पे ही एडमिशन लेगा। इस बार विशेष COVID-19 की विशेष परिस्थितियों के कारण भारत सरकार ने एक निर्णय लिया है कि छात्रों की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए हम 12वीं के बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं नहीं कराएंगे और दिल्ली विश्वविद्यालय उनके निर्णय के साथ है क्योंकि छात्राओं की सुरक्षा सर्वोपरि है। अब जो बच्चे हमारे पास आएंगे, पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि एक तो उनको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इस समय कोविड का महामारी फैली हुई है, तो छात्र थोड़ा शांत रहें और ज़्यादा चिंता ना करें। दूसरा, उनको बोर्ड के, उनके कोई भी बोर्ड हो, चाहे CBSE हो चाहे कोई दूसरा बोर्ड हो, बोर्ड से जो भी उनको मार्क्स मिलेंगे उन्हीं मार्क्स को आधार बना करके दिल्ली विश्वविद्यालय अपनी मेरिट का निर्धारण करने वाली है। ये हम उसको भी मान लेंगे क्योंकि जो हमारे बोर्ड्स हैं वो काफ़ी, मैं समझता हूँ कि काफ़ी अनुभवी बोर्ड्स हैं और वो काफ़ी वस्तुनिष्ठ हैं, इसलिए वो हमें छात्रों छात्राओं की मेरिट हमें दे देंगे और उसको हम आधार बना करके दिल्ली विश्वविद्यालय में, जैसे हम हर साल करते हैं मेरिट आधारित एडमिशन लेते हैं, वैसे ही इस बार भी मेरिट आधारित प्रवेश हम अपने छात्रों को देंगे दिल्ली। तो दोस्तों, ये थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर PC जोशी, जिन्होंने कहा कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 15 जुलाई से जैसे पहले एडमिशन्स हो रहे थे मेरिट बेस पे, वैसे ही एडमिशन कराया जाएगा और सभी बोर्ड्स के स्टूडेंटों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा एडमिशन के दौरान। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जैसे ही कोई नेक्स्ट अपडेट आएगा इस चैनल पे आपको मिलेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी अपडेट्स मिले मैं इस चैनल पे अपलोड करूँगा तो आपके पास टाइम से पहुँच जाएगा।